जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में चल रहे कार्तिक पूर्णिमा मेले में जिला पंचायत द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कई सवाल उठाए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को टूटी हुई सड़कों से होकर गुजरना पड़ रहा है। सड़कों में गड्ढे होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। किसान नेताओं ने कहा कि शासन ने जिला पंचायत को बजट भी जारी कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। अभी दो दिन पहले भी एक सुन रहे थे न्यूज़ कि मेले में प्रशासन जो है तवज्जो नहीं दे रहा है, बहुत खामियां अभी भी हम देखते आ रहे थे। सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि बहुत ज़्यादा, यदि मेला रात्रि में बढ़ेगा तो वाहन भी फंसेंगे और नुकसान भी होगा, किसान का ही नुकसान होगा, आम गरीब आदमी का नुकसान होगा। इसलिए प्रशासन को समय रहते हुए जो है सचेत होना चाहिए और जो है रास्तों को ठीक करना चाहिए, जो मेले में कमी रह रही है उसे पूरा करना चाहिए। पहले तो जिला पंचायत रोना रोती थी कि हमें बजट नहीं है, आज सरकार बजट दे रही है ये उसको चाटने लग रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि हम भारतीय किसान यूनियन के लोग प्रखर होकर सरकार के और प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करें। आज भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमने आँखों से देखी है उसे आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं, और प्रशासन समय रहते चेत जाए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन इनका विरोध करेगा। अभी कैंप में जो है मुझे नज़र नहीं आ रहे, पानी के नल के भी नहीं नज़र आ रहे हैं, शौचालय भी नहीं है, और रात्रि में हमारे लोग बढ़ेंगे तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासन को जो भी विभाग है उसको आके यहाँ देखना चाहिए और नलों के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्य घाट पर अभी हम पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने के बाद जो देखेंगे उसके बाद अपना बयान देंगे, और जो भी नज़र आएगा वो आपके सामने प्रेस के माध्यम से उस बात को उठाने का काम। बता दें कि कार्तिक मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, मुख्य स्नान पर और भी श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। जो जवाब आए।